पल्लवा साम्राज्य। दक्षिण भारत में कई साम्राज्य बने, लेकिन दक्षिण क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली था पल्लवा राजवंश। पल्लवा कला और वास्तुकला के महान विजेता और संरक्षक थे। उनका शासनकाल लगभग 500 वर्षों तक का था। पल्लवा ने शुरुआत में पल्लवपुरी तट के पास स्थित थोंडई मंडलम क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। इसके तुरंत बाद एक प्राकृतिक आपदा में पूरा क्षेत्र समुद्र से बह गया। पल्लवा फिर वहां से कांचीपुरम चले गए और वहां से उन्होंने अपने शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया, जो उत्तरी ओडिशा से तांजोर और फिर दक्षिण में त्रिची तक फैल गया। माना जाता है कि स्कंद वर्मन प्रथम पल्लव राजा थे, जिन्होंने चौथी शताब्दी के शुरुआत में शासन किया था। स्कंद वर्मन ने अपने क्षेत्र का विस्तार कृष्ण नदी से दक्षिण में स्थित पेन्नार और फिर पश्चिम में बेल्लारी तक किया था। अश्वमेधा और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद उन्होंने धर्म के लिए समर्पित राजाओं का राजा की उपाधि प्राप्त की। 350 ईस्वी से 575 ईस्वी अवधि के बीच में 16 से अधिक राजाओं ने शासन किया था। राजा शंबशिवु ने 560 ईस्वी से 580 ईस्वी तक शासन किया था। वह एक शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने दक्षिण क्षेत्र के मूल शासक चोला, पांड्या और कालाब्र को पराजित किया था। शंबशिवु एक वैष्णव थे, जो भगवान विष्णु के भक्त थे, और उनका चित्र तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित आदिवरह के मंदिर में मौजूद है। शंबशिवु के बाद उनके बेटे महेंद्र वर्मन ने 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक शासन किया था। महेंद्र वर्मन एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। वे एक कवि और एक कुशल संगीतकार थे। वीणा उनके पसंद का संगीत उपकरण था। वे कला, संगीत और वास्तुकला के संरक्षक भी थे, जो उनके शासनकाल के दौरान और आगे बढ़ा। चेन्नई के पास महाबलीपुरम के सुंदर गुफा मंदिरों के निर्माण की शुरुआत महेंद्र वर्मन ने की थी। नरसिम्हा वर्मन महेंद्र वर्मन के एक बहादुर और बुद्धिमान पुत्र थे। उन्होंने बादामी पर अपना नियंत्रण कायम कर उस पर 13 वर्षों तक शासन किया। अपनी शक्तिशाली नौसेना के साथ उन्होंने सिमाला के राजा श्रीलंका को अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने में मदद की। नरसिम्हा वर्मन ने अपने शासनकाल के दौरान महाबलीपुरम के सुंदर मंदिरों के निर्माण का काम पूरा किया था। उन्होंने कांचीपुरम में कैलाशनाथा मंदिर और शोर मंदिर जैसे अन्य कई और मंदिरों का भी निर्माण किया था। वह एक महान पहलवान थे और उन्होंने मामला की उपाधि प्राप्त की थी, और इसीलिए महाबलीपुरम को मामलापुरम भी कहा जाता है।